अबे कोई तुम्हारा संगठन का चक्कर तो नहीं? संगठन में रहते तो इचुलम का है सहते। कब से तैयारी चल रही तुम लोगों की? हमारी रजपतिया का रास्ता। ये जो टोले की बहन बेटी है ना, इज्जत है हमारी, और कोनो बड़ जात के बाप की बपौती नहीं है, और न कोई बाजार में रखा हुआ सामान है कि कोई भी आए और उलट पुलट कर देखे। लगाम रखो अपनी छोकरी पर, कैसे सीना उतान के गली गली अठलाती फिरती है। ई बार कुछ नहीं किया ना, तो उनकी हिम्मत और बढ़ेगी। हाँ तो क्या करें, मुकदमा ठोकते हैं। सामने वाली पार्टी कितनी मजबूत है पता है तुम्हें? ये बड़गांव और उसके आसपास का जो गांव है ना, वो दलित बहुल है। ई काम हो जाए तो एक तीर से कई शिकार हो जाएंगे मने के। छोड़ो उसे बाऊजी, छोड़ो। ई घर द्वार बेच देंगे हम, लेकिन अपने बेटा पर आंच नहीं आने देंगे। उधर वो चुप ना बैठेगा, देख लेना। अगर टोले की और कोई दौरत है ना, ऐसा बयान दे दे कि ये सारा मामला झूठा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तब भी अपना काम बन सकता है। आज ही मिलते हैं एसपी से, जांच अधिकारी बदलवाते हैं, फिर देखते ही जमानत कैसे बहाल रहता है। पीछे अंदर हाथ पैर बांध के नहीं रहेगा मामा, सारा पिछवाड़े में गोली मार मार के ना छेद कर देंगे। एक बगिया एक गुलशन, सबको जीने का हक है, सात बरन बिरादरी दबाने की बकझक है। इस केस का फैसला तो हमारी जिंदगी और मौत का फैसला बन के रहा। मन उखड़ रहा है सब थाना कचहरी के झंझट से। सच्चाई तो ये है ना, तुम ना जात पात की लड़ाई लड़ रहे, वो भी रजपतिया की आड़। अरे हम जेल नहीं जा रहे हैं, हम तो गया जी जा रहे हैं। गया जी अपने पुरखे पुरनिया का तर्पण करे के खातिर।